सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ एक अनबॉक्सिंग, जो मैंने मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैंने काफी टाइम पहले सोचा था कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो खरीदना है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं वो खरीद नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली आज मैंने वो चीज अपने लिए खरीद ली है और वो पॉसिबल हो पाया है आप सभी की सपोर्ट, प्यार की वजह से। क्योंकि अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट ना करते तो भाई मैं इस लेवल पे अभी पॉसिबल ही नहीं हूँ कि मैं उस चीज को खरीद पाऊँ। एज ए स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, तो इस लेवल पे आके ऐसी कुछ चीज खरीदना अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये है मेरे पास रियलमी बुक। ये मेरा पहला लैपटॉप है मेरी लाइफ का जो मैंने अपने पैसों से अपने दम पे खरीदा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी लैपटॉप के बारे में और बताऊंगा कितने का मैंने खरीदा और क्या इसके स्पेक्स हैं, और उसके बाद और वीडियोस आने वाली हैं इसके ऊपर, और मैंने क्यों इसी को ही चूज किया जबकि HP, डेल, एसर, MSI बथेरे ब्रांड्स हैं, तो उनको छोड़ के मैंने यहाँ पर रियलमी बुक क्यों चूज किया। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चल रहे थे। तो ये है हमारे पास रियलमी का रियलमी बुक बॉक्स, और इसका जो टोटल वेट रहने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 2.37 ग्राम केजी ग्राम जो है इसका वेट है। मतलब इसका पूरे बॉक्स का इतना वेट है जितना एक नॉर्मल कन्वेंशनल लैपटॉप का वेट होता है। ये यहाँ पर इसकी सारी डिटेल है, जैसे ये इसका मॉडल नंबर है RNB 101, जेनेरिक नेम लैपटॉप है, कलर है रियल ग्रे, i3 CPU है और USD ग्राफिक्स है। उसके बाद रैम है यहाँ पर 8 GB, स्टोरेज है 256 GB, और उसके बाद स्क्रीन साइज है 35.5 सेंटीमीटर, 14 इंच का ये लैपटॉप है। और जो नेट वेट है सिर्फ लैपटॉप का तो ये है 1.36 केजी का इसके अंदर वेट है। ये इसकी टोटल डायमेंशन दी हुई है, मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट September 2021, और यहाँ पर ये है इसका MRP आप यहाँ पर देख सकते हो 54,999 रुपीज़ है, लेकिन ये जब ये लॉन्च हुआ था ये 47,000 का था। और यहाँ पर आपको इसका कंटेंट मिलेगा, तो पॉज करके आप पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हो। और साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है रियलमी बुक, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डे सेल के अंदर खरीदा था i3। तो यहाँ पर ये इसकी सारी डिटेल्स हैं। तो अब जरा इसे एक बार ओपन करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल दो एक ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, आपने वीडियो देख ली होगी, तो वो भी थी कि इसकी यहाँ पर देखो इस तरीके से बॉक्स खुलता है, और ये उल्टा रखा हुआ है उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये ऐसी रख दिया था मैंने। नॉर्मली जब आप इसे खरीदोगे तो कुछ इस तरीके से रखा आएगा, और यहाँ पर ये जो फ्लैप है इसे पुल पकड़ के आप पुल करोगे ऊपर की तरफ तो ये लैपटॉप जो है वो मतलब निकल आएगा बाहर। साइड पर रख देता हूँ, आगे दिखाऊंगा, और देखते हैं इसके अंदर बॉक्स कंटेंट क्या है। तब सबसे पहले सेंटर बॉक्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, इसका वारंटी कार्ड, पेपर जो बुकलेट है देखो ये रही, तो सारी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज साइड भी रख सकते हो। फ्लिपकार्ट से लोगे तो बिल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो हम इसे साइड में रख देते हैं वापस। अब यहाँ पर दो कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, एक यही इसकी सबसे बड़ी USP थी। इस कंपार्टमेंट में देखो हमें यहाँ पर केबल मिलती है एप्पल की तरह, Type-C to Type-C मिल रही है, दोनों साइड हमें Type-C आउटपुट मिल रहे हैं। तो ये केबल है और इसकी लेंथ अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मीटर की लेंथ है इसकी, तो ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर एक ये कंटेंट है, तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका चार्जर। अब भाई नॉर्मल कन्वेंशनल लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो बड़ा ही वियर्ड सा हैवी सा होता है, ब्रिक टाइप का। इसके अंदर देखो चार्जर कैसा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना सा चार्जर है मोबाइल का, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको रियलमी 7 प्रो का जो 65 वॉट का चार्जर होता है वो ला के दिखाता हूँ, तब आपको एकदम आइडिया मिलेगा। आप देख सकते हो ये है मेरे पास रियलमी 7 प्रो रियलमी का जो नॉर्मल कन्वेंशनल 65 वॉट का चार्जर होता है सुपर डार्ट वाला, और ये है इसके लैपटॉप का चार्जर। आप यहाँ पे साइज देखो ऑलमोस्ट सेम साइज है, और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये इसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पर हमें चार्जर मिल जाता है, और ये पावर डिलीवरी वाला चार्जर है। तो यहाँ पर पूरी इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप यहाँ पर पॉज करके एक बार पढ़ लेना, अदरवाइज मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगा। जिसके अंदर आउटपुट दो टाइप के हैं, वूक है 5 वोल्ट 3 एम्प, सुपर वूक है 10 वोल्ट 3 एम्प, और यहाँ पर ऊपर है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हमें चार्जर मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर हमें ये
की केबल मिल जाती है। तो अगर आपके पास Realme का फ़ोन है, टाइप सी वाला फ़ोन है, तो भाई आपको एक ही चार्जर से आपका लैपटॉप भी चार्ज कर लोगे आप और अपना फ़ोन भी कर लोगे, तो आपको कोई सेपरेट चार्जर लेके चलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रोडक्टिविटी के मामले में ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। अब यहाँ पर हम इस लैपटॉप को निकालते हैं बाहर, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो हम इसे फ्लिप करेंगे, तो देखो ये एक पैकेज है, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे और कुछ इस तरीके से ये लैपटॉप निकल आएगा। ये मैंने मंगाया था रियल ग्रे, और ये देखो प्रॉपर मेटैलिक बॉडी है पूरी। ये देखो ये भी पूरी मेटैलिक बॉडी है और ये भी मेटैलिक बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर ये रियलमी की ब्रांडिंग है, मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो सिर्फ ये एक रियलमी की ब्रांडिंग है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर ये टॉप है, ये साइड है, तो यहाँ पर आपको एक यूएसबी टाइप ए यहाँ पर 3.2 जेन का मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो टाइप सी पोर्ट मिलता है, आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन चार्जिंग आप सिर्फ इसी से कर सकते हो। i5 वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर थंडरबोल्ट मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर बैक में कुछ इस तरीके से है। ये इसका एयर वेंट है, दो फैन मिलते हैं आपको, एक एरा, तो कूलिंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी यहाँ पर। और ये इसकी और डिटेल्स हैं, विंडोज़ 10 यहाँ पर आपको मिल जाती है होम वाली, उसके बाद i3 यहाँ पर 11th जनरेशन है। अब यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, देखो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ मैक की तरह एक हाथ से नहीं खुलता, आपको दो हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये खुलता है, एक बार मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, ये कीबोर्ड है इसका, नम लॉक नहीं है इसका, नम पैड नहीं है। 14 इंच के कीबोर्ड के अंदर नम पैड बहुत ही रेयर मिलता है। तो ये इसका कीबोर्ड है और इसका की ट्रैवल भी अच्छा है। यहाँ पर इसका पावर बटन दिया हुआ है, इसे जैसे आप प्रेस करोगे तो ये फटाक से ऑन हो जाएगा। तो आप इसका बूट टाइम की कितनी देर में ऑन होता है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये कितना फास्ट है SSD की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने अपना फ़ोन रख दिया है स्टॉप वॉच लगा के, तो मैं यहाँ से बटन प्रेस करूँगा, ये मेरी फिंगरप्रिंट लगा हुआ है इसके अंदर नॉर्मल है। तो जैसे ही मैं यहाँ से बटन प्रेस करूँगा, देखना ये देखो मैंने बटन भी प्रेस कर दिया, कीबोर्ड में लाइट भी आ गई है और यहाँ पर स्टॉपवॉच चालू हो गया है। 5 सेकंड हो गए हैं, रियलमी का लोगो आ गया है, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ पर ये प्रॉपर बूट हो चुका है देखो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 11 सेकंड आप मान लो कि 11 सेकंड के अंदर ये लैपटॉप प्रॉपर जो है वो ऑन हो जाता है, जो एक काफ़ी बड़ी बात है। अब यहाँ पर आप इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर का फास्टनेस देखो, फटाक से लिटरली बता रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर ये ऑन हो जाता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को। और ये देखो विंडोज़ 10 पे चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिखा देता हूँ, और बिल्कुल फास्ट है। अभी जस्ट ये ऑन हुआ है, तो क्रोम देखो कितनी फास्ट खुलेगा, यहाँ पर मैंने जस्ट क्लिक किया है और यहाँ पर देखो क्रोम ओपन हो गया है, जो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। नॉर्मल काम के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप मेरे को अब तक का लगा है। देखो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया है, और ये इसकी स्पेक्स रहने वाली है, तो 256 GB की SSD है इसके अंदर, जिसमें से 100 GB तो आपको विंडोज़ के लिए दे देंगे, और उसके बाद जो डाटा है आपको 137 GB आपको मिलेगा, जिसमें आप अपना डाटा भी स्टोर करके रख सकते हो। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल सारी की सारी। तो अब ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रियलमी, और रियलमी यहाँ पर क्लाउड लिखा हुआ है। 11th Gen i3 11115G4 प्रोसेसर है, बेस क्लॉक है 3 GHz की, और यहाँ पर इंस्टॉल्ड मेमोरी है 8 GB, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है 64-bit का, देखो X64 वो बेस्ड जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। और विंडोज़ यहाँ पर एक्टिवेटेड है, विंडोज़ इस एक्टिवेटेड यहाँ पर आप क्लियरली। अब हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉपर डिटेल्स एक बार और, यहाँ पर हम चलते हैं टास्क मैनेजर में। ये है यहाँ पर इसका CPU, ये यहाँ पर डिटेल देख सकते हो, स्पीड जो है 1.05 GHz, बेस क्लॉक है इसकी 3 GHz की, यहाँ पर आप एक बार देख लेना। 2-core 4-thread का ये CPU है, 6 MB जो है उसकी कैश मेमोरी है। उसके बाद अगर हम इसकी मेमरीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके अंदर टोटल 8 GB की स्टिक लगी हुई है, और ये सोल्डर्ड है, इसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते मेन बात। और उसके बाद यहाँ पर डिस्क जो है हमें SSD मिलती है, वो मिलती है 256 GB की SSD, जो यहाँ पर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, जो हमें यहाँ पर 256 GB की, इसे हमें रिप्लेस करना होगा कोई भी दूसरी से। वाईफाई 5 ब्लूटूथ 5.2 का यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इंटेल USD ग्राफिक्स मिलते हैं, जो जिसके अंदर हमें यहाँ पर
4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आते हैं। इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल आप वीडियो एडिटिंग इससे कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, जो इसकी मेन USP के अंदर आती है, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि भाई इसके कलर्स रिप्रोडक्शन कैसे हैं। क्योंकि आप देखो वो तो प्रॉपर आपको यहाँ पर नहीं पता लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार 4K वीडियो एक बार हम चला लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी डिस्प्ले रहने वाली है। कलर्स कितने प्यारे आ रहे हैं इसके अंदर, लिटरली बहुत ही ऑसम कलर्स हैं इसके। और यहाँ पर आप इसकी वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लो एक बार, क्वालिटी यहाँ पर 4K चल रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर हमें 4K जो है वो मैंने यहाँ पर प्ले की हुई है, देखो लिटरली बहुत ही ऑसम कलर हैं, सुपर एमोलेड वाली मतलब फील आती है इसकी डिस्प्ले के अंदर, जो इसकी मेन USP रहने वाली है। और इसीलिए मैंने इसे मेन परचेस किया था। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आपको मैकबुक की तरह इंस्पायर्ड लगेगा, वो है यहाँ पर F7 बटन हम प्रेस करते हो तो देखो कीपैड की लाइट आती है। और हम यहाँ पर दो टाइप में एडजस्ट कर सकते हैं इसे, लो एंड हाई के अंदर। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये नाइट के अंदर काम करने में बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को लो एंड हाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं इसी से। तो आने वाले टाइम के अंदर और वीडियोस आएंगी इसी लैपटॉप के ऊपर, और मैं अभी इससे एडिटिंग भी करूँगा, तो देखेंगे एडिटिंग में कितना ये महारत ही है, कितना ये बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। तो ये थी वीडियो मेरे फर्स्ट लैपटॉप की। दोस्तों ये था मेरा पहला लैपटॉप जो मैंने लिया है रियलमी बुक स्लिम i3 वर्जन, और ये मेरे को फ्लिपकार्ट पे पड़ा था 32,999 रुपीज़ का, मतलब 33,000 रुपये का ये मेरे को पड़ा था। और जब ये प्राइस मतलब जब ये लॉन्च हुआ था तब ये 47,000 रुपये के आसपास था, और अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चल रही है तो वहाँ पर इसका प्राइस डाउन हुआ था। तब मेरे को लगा कि यार 33,000 रुपये में i3 11th जनरेशन 8GB रैम और 256GB की SSD मिलना काफ़ी बड़ी बात है। ऑल्दो इन्फिनिक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल था मेरे पास, लेकिन वो मैंने चूज़ नहीं किया। तो उसे ना चूज़ करने का मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अनबॉक्सिंग की। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी टेस्ट आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।